नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सीमेंस कंट्रोल में स्टॉक रिमूवल फेसिंग साइकिल। तो सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर पुश करते हैं पार्ट प्रोग्राम न्यू, यहां पे नाम लिखते हैं स्टॉक रिमूवल फेसिंग साइकिल, ओके किया। ये प्रोग्राम साइकिल से बन गया। अब सबसे पहले वर्कपीस लेंगे तो वेरियस में जाएंगे, ब्लैंक। देखिए 50 mm का डाया, जैसा कि ड्राइंग में दिया है 50 mm का डाया। जेड ए रिफरेंस पॉइंट 0, जेड एल टोटल लेंथ जो है 30 mm की है, और जेड बी जोज से कितना बाहर है 20 mm, 10 mm क्लैंप है, ओके किए। ड्राइंग के अकॉर्डिंग पार्ट ले लिया। इसके बाद हेडर लिखेंगे G75 X0 Z0, इंटर G71 G40 G90 G95, इंटर। इसके बाद टूल सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट टूल, तो ये रफ का टूल ले लिया, का टूल लेंगे, ओके। इसके बाद ऑफसेट नंबर D1, इंटर। फिर लिमिट्स लगाएंगे LIMS इक्वल टू 2000, G96 S 200, M03। इसके बाद M07 कूलेंट ऑन। अब देखो ड्राइंग में जैसा दिखा रहा है कि 50 mm का डाया है, तो सबसे पहले पोजीशन कराएंगे G0 X 52 Z 2, इंटर। एक्स में 52 और जेड में 2 mm, वर्क पीस से 2 mm ऊपर पोजीशनिंग और 2 mm बाहर कर दिया। इसके बाद यहां से टर्निंग पे क्लिक करेंगे। अब हमें स्टॉक रिमूवल पे क्लिक करेंगे, स्टॉक रिमूवल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm रख दिया, टूल 2 mm। इसके बाद फीड 0.2 की, और ये मशीनिंग में। अब देखिए यहां पे ये मशीनिंग में रफ और फिनिशिंग दोनों का है, तो हमें रफ में मटेरियल पूरा ब्लॉक है उसमें से रिमूव करना है, तो रफ करेंगे। इसके बाद यहां पे जो पोजीशन है, पोजीशन आप यहां पे पोजीशन, ये पोजीशन शो करता है पोजीशन आप मशीनिंग ओडी या आईडी। देखिए यहां पे कई ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, ओडी आईडी बैक में आईडी, बैक में ओडी, बैक में आईडी। तो यहां पे पोजीशनिंग में हम ओडी रखेंगे मशीनिंग के लिए, फेस। अब देखिए यहां पे हम लॉन्गिट्यूडनल किए थे जब स्टॉक रिमूवल टर्निंग कर रहे थे, यहां पे फेसिंग करना है। अब हमारा X0 वर्कपीस का पूरा डाया, यहां ड्राइंग में देखिए वर्कपीस का डाया कितना है पूरा 50 mm, ZA रिफरेंस पॉइंट 0। इसके बाद X1 इसको कटिंग के बाद कितना एमएम बचाना है 15 mm, Z1 -8 mm तक फेसिंग करनी है, यहां पे डेप्थ 1-1 mm कटिंग करेगा, 1 mm कटिंग करेगा, इसे पीछे आया फिर 1 mm और कटिंग करेगा, डेप्थ ऑफ कट एक बार में कितना कट करेगा 1-1 mm। UX फिनिशिंग अलाउंस 0.1 दे देते हैं X में और Z में 0.1। तो ये था फेसिंग, स्टॉक रिमूवल फेसिंग पार्ट को जब लेंथ कम करना होता है उस केस में हम फेसिंग का यूज करते हैं, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद देखिए ये 951 साइकिल फेसिंग की साइकिल ओपन हो गई। इसके बाद हम
फूटर लिखेंगे G75X0Z0 M05 M09 M30। इसके बाद सिमुलेट करेंगे। देखिए सिमुलेट करते हैं, प्रोग्राम रेडी हो गया। टूल का मोमेंट देखिए, जैसा कि ड्राइंग में शो हुआ है, ये 50 mm का डाया है, 1 mm कटा, 2, 3, 4 फीट बढ़ाते हैं, 5, 6, 7, 8। तो ये देखिए फेसिंग, जब लेंथ ज्यादा कम करनी होती है तो फेसिंग का यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए ये 50 mm का डाया था और ये 15 mm का डाया बना दिए और ये 8 mm तक कटिंग हुई है। तो स्टॉक रिमल फेसिंग का यूज साइकिल के थ्रू ऐसे करते हैं।